हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 आपका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, 9 अगस्त को एग्ज़ाम लगा है और जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा से भी ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो भाषा पर आधारित आपको प्रश्न मिल रहे हैं सभी वर्गों के, सभी स्टूडेंट के लिए, सभी वर्गों के सभी स्टूडेंट के लिए। तो भैया लाइव सेशन है 7 बजे वाला मॉर्निंग, तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, नीचे आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में देखिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिए, जिससे कि सब जुड़ी जानकारियां हैं, जो कि बीएड से जुड़ी जानकारी है और अन्य जानकारी और सुविधा, लाइव सेशन आपको समय से मिलता रहे नोटिफिकेशन उनका। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग छुट पाएँ। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग में इसलिए क्लास रखी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट क्लास करवाया जा सके। तो मॉर्निंग में, वैसे मॉर्निंग में जो केवल और केवल विशेष तौर पे आपका आर्ट यानी कला वर्ग के स्टूडेंट का ही मॉर्निंग क्लास रखा जाता है, लेकिन ये सभी वर्गों के लिए, ऐसा नहीं कि कला वर्ग के लिए नहीं है। आपका ये आर्ट वर्ग के लिए भी सेशन है, आपका ये साइंस वर्ग के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। भाषा से ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म आता है, ठीक है। साइंस हो गया, साइंस वर्ग के स्टूडेंट हो गए, कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट हो गए, सभी के लिए, एग्रीकल्चर वर्ग के स्टूडेंट हो गए, सभी के लिए है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, सभी लोग तैयार हो जाएं आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसको जूम कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। चलिए बताएंगे, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 8वीं अनुसूची में। संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सेकंड नंबर कहता है, बताएं भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेकंड पे राइट आंसर हो जाता है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, सभी लोग कमेंट सेक्शन पे आंसर देंगे अपना। थर्ड नंबर पे कह रहा, बताइएगा कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो थर्ड पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेदों में, अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में राजभाषा का या राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी व अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ नंबर पे राइट आंसर ऑब्वियसली आपकी हिंदी ही भारत की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाया जा सके और भी लोग छुड़ पाएँ। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों समय लगता है, और फिर पीडीएफ क्रिएट करके आपके लिए लाइव सेशन करवाते हैं। तो जो भी आपके लिए हम समय देते हैं, तो उससे केवल और केवल आपका लाइक चाहिए होता है। तो लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर किया करें, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ और भी लोगों तक वीडियो पहुँचाने में आपकी हेल्प मिल सके। तो भारतीय संघ की आधारित भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो हिंदी को है, संस्कृत को, अंग्रेजी को, या फिर 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो हिंदी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, 6 नंबर पे कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो 6 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 7 नंबर है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। 2009, 2011, 2026 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो 7 पर राइट आंसर करेंगे, अनिश्चित काल के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 8 नंबर में, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में
अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, राज विधानमंडल को, या फिर राजभाषा आयोग को? तो यहाँ पे देखिए, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, आप लोग जुड़ पाएँ। नवा नंबर यहाँ पर दिया गया, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो 9 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा 10वां नंबर, कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। तो 10 नंबर पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, उर्दू, जो कि 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से पूछा ये गया था कि एक किसी राज्य की राजभाषा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है उर्दू, 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा यानी राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है? तो राइट आंसर 11 पे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, डी, जम्मू कश्मीर ने। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, लोग जुड़ पाएँ। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। फटाफट से 14 का राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 नंबर। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और लोग जुड़ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, 15वें पे कहता है कि बताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो बताएंगे राइट आंसर क्या है 15 में सभी लोग। तो जो लोग यहाँ पर राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 16वां नंबर, कह रहा है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 16 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाता है ए, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो सभी 17 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है, नागा है, या मीति दिया है, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और लोग जुड़ पाएं। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी राइट आंसर है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। 19 पे आएंगे, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी या आगे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसी में, मतलब जैसे बोडो है, डोगरी है, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है 19वें पे ऑप्शन नंबर डी जो लोग कर रहे हैं 92 यानी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इनको समावेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कहता है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 20 नंबर, तो राजस्थानी भाषा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 21 का राइट आंसर बताएंगे, 21 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो 21 पर राइट आंसर हो जाता है अंग्रेजी।
इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 22 पे राइट आंसर क्या है, 22 पे संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सबसे राइट आंसर की, देखो इसको लेकर के अभी क्वेश्चन आप पहले किया जा चुका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 है, कह रहा बताएं भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं परिशिष्ट का संबंध है किससे, भाषा से है, अनुसूची से है, या फिर अनुसूचित जाति से है, या आरक्षण से है, या फिर मूल अधिकार से है, तो 24 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, जो लोग भाषा कर रहे हैं, 8वीं विशिष्ट परिविशिष्ट का संबंध भाषा से, बिल्कुल सही आंसर है। 25 में कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको मत देखिए कि ये केवल इसी में ही पूछा गया है, और भी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 26 है, 26 में कहता है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है संथाली, जो कि 2003 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 27 है, 27 में कह रहे निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली, तो राइट आंसर 27 में ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अंग्रेजी, जो कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद सभी को। इसके बाद में आपको जो लाइव सेशन मिलेंगे वो 11 बजे से लाइव क्लास मिलेगी। जय हिंद सभी को, जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पर लोग छोड़ पाए। जय हिंद।